धर्मनगरी और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माने जाने वाला हरिद्वार पूरे साल तीर्थ यात्रियों से भरा रहता है। जाहिर है इसी अनुपात में शहर का ट्रैफिक भी होता है। ऐसे में शहर पर बढ़ने वाले ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। इसका जायजा लेने खुद जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे निकले। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में बनने वाले इस रिंग रोड का काम समय से पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 चरणों में 110 किलोमीटर के बनने वाले इस रिंग रोड के पहले चरण का काम शुरू भी हो गया है। देखिए, रिंग रोड में तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हमारा लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और अब वहाँ निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है। मिट्टी की परमिशन NHAI ने हमसे काफ़ी ली है और वहाँ पर वो उसकी डंपिंग वगैरह शुरू हो गई है। अब उनका जो निर्धारित समय के हिसाब से जो उनका पक चार्ट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सही समय के अंतर्गत उस काम को पूरा कर रहे हैं। पहले चरण के निर्माण से पहले अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। रिंग रोड का पहला चरण बहादरा बाईपास से शुरू होगा और श्यामपुर के अंजनी चौकी NH-74 पर खत्म होगा। रिंग रोड के पहले चरण में 15 किलोमीटर की रोड बनाई जानी है। रिंग रोड से दिल्ली से नजीबाबाद, देहरादून, नैनीताल को लिंक किया जा रहा है। दूसरे चरण में NH-74 से मोतीचूर फ्लाईओवर को हाईवे से मिलाया जाएगा। तीसरे चरण में भेल से दूधाधारी चौक तक होगा। तो आपको पता है कि बहादराबाद से जो टोल है वहाँ से ये रोड घूम जाएगी, ये रिंग रोड बन रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगी। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के बारे में कहा जा रहा है कि एक और चंडीघर पुल से लेकर और ARTO चौक तक एक जाएगी, तो जब वो बनेगा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिलीफ इस शहर को। 3 चरणों में होने वाले इस निर्माण में गंगा पर अप्रोच पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर के करीब होगी, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बताया जा रहा है। वहीं रिंग रोड निर्माण शुरू होने के साथ ही इलाके की जमीनों की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। किसान भी मान रहे हैं कि इससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।